हीलोफाई हिंदी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि आप हमारा हर वीडियो देख पाएं। हेलो एवरीवन, हमारे नए यूट्यूब वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गर्भावस्था के दौरान अगर महिलाओं को सर्दी और जुकाम हो तो उस दौरान क्या घरेलू उपाय लिए जा सकते हैं। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपको प्रेगनेंसी या पेरेंटिंग से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप हीलोफाई ऐप को अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस ऐप को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं उन घरेलू उपायों की जो आप प्रेगनेंसी के दौरान सर्दी और जुकाम होने पर ले सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला उपाय है गुनगुने नींबू पानी का। आप गुनगुना पानी लीजिए, उसमें नींबू और आधा चम्मच शहद मिला दीजिए। इसी के साथ आप पानी में अदरक भी मिलाइए, ये आपको सर्दी और जुकाम में बहुत ज़्यादा आराम देगा। प्रेगनेंसी के दौरान आप इस जो घरेलू उपाय है उसे आसानी से कर सकते हैं। दूसरा घरेलू उपाय है भाप लेने का। आप प्रेगनेंसी के दौरान भाप लेने वाला घरेलू उपाय कर सकते हैं। एक बर्तन लीजिए और उसमें पानी को बहुत ज़्यादा गर्म कर लीजिए। इसके बाद अपने सिर को ढकिए और बर्तन जो जिसमें आपने पानी रखा है उससे भाप लीजिए और इस भाप को नाक की तरफ से सांस लेते हुए अंदर लीजिए। ये जो भाप लेने वाला घरेलू उपाय है ये आपको सर्दी खांसी में बेहद मदद करेगा और आपको इससे काफी फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तीसरा घरेलू उपाय। तो अगर आपको प्रेगनेंसी में सर्दी जुकाम हो जाए तो इसके लिए जो तीसरा घरेलू उपाय आप अपना सकती हैं वो है तुलसी और अदरक की चाय। आप तुलसी और अदरक की चाय, ताज़ी चाय पी सकते हैं। अदरक और तुलसी आपको खांसी जुकाम से बहुत ज़्यादा राहत देने में मदद करेगी। हालांकि आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा जो चाय है वो नहीं पीनी है, क्योंकि चाय अधिक मात्रा में चाय पीने से बच्चे के लिए नुकसान भी हो सकता है। तो आप बहुत ज़्यादा मात्रा में चाय ना पिए, लेकिन जब आपको सर्दी जुकाम हो तो आप तुलसी और अदरक की चाय बेशक पी सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान अगर सर्दी जुकाम हो जाए तो उस दौरान आपको ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ लेने चाहिए। आप जो फल हैं उनका जूस ले सकती हैं, पानी ज़्यादा पी सकती हैं, ताज़े फलों का जूस लीजिए। आप जूस को घर पे भी बना सकती हैं और इसमें अतिरिक्त शक्कर ना मिलाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप ताज़े फलों का जूस मिलाकर बनाकर पी सकती हैं, पानी ज़्यादा पी सकती हैं। तरल पदार्थ ज़्यादा पीने से जुकाम में बेहद आराम मिलता है और खांसी जुकाम से आपको आराम भी मिलेगा। तो आप ये घरेलू उपाय अपना सकती हैं। अगला घरेलू उपाय जो आप अपना सकती हैं वो है गरारे करने का। जी हाँ, अगर आपको प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा खांसी इस तरह की परेशानी हो तो आप गर्म पानी में नमक मिलाकर इसके गरारे कर सकते हैं। आप एक गिलास गर्म पानी लीजिए और इसमें 3 चुटकी नमक मिला दीजिए। इसके गरारे करने से आपको गले की खराश से आराम मिलेगा और यह आपको खांसी से राहत दिलाने में बेहद मदद करेगी। अगला जो घरेलू उपाय आप अपना सकते हैं वो है ऊंचे तकिए का इस्तेमाल। सर्दी जुकाम या खांसी होने पर आप प्रेगनेंसी के दौरान ऊंचे तकिए का इस्तेमाल कीजिए। इससे आपका सर भी हल्का होगा और आपकी अगर नाक बंद है तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। ये जो घरेलू उपाय हैं आप इनको घर पे आसानी से कर सकते हैं। हालांकि प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की नई चीज़ को इस्तेमाल करने से पहले, यानी कि उसे खाने पीने से पहले, आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए। डॉक्टर की सलाह लेकर ही आप किसी भी तरह के घरेलू उपायों को करें, इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान सर्दी जुकाम इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारी जो इम्यूनिटी है वो थोड़ी वीक होने लगती है और जो हमारा शरीर है वो बीमारियों में ज़्यादा पड़ सकता है। इसलिए आप तनाव से दूर रहें, पौष्टिक आहार लीजिए और खूब सारा पानी पीजिए। इसके साथ ही आप हो सके तो व्यायाम भी कीजिए। ये सभी चीज़ें प्रेगनेंसी के दौरान आपको स्वस्थ और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाने में बेहद मदद करेंगी। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने देखा कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको सर्दी और जुकाम हो जाए तो आप कौन से घरेलू उपाय कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो या इससे कुछ भी मदद मिली हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप अगला टॉपिक किस वीडियो पर देखना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएं।
और भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नीचे घंटी को दबा दें।